तो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड क्लास 10वीं क्लास 12वीं इनका रुकेगा रिजल्ट। अभी जारी किया नया नोटिस 21 मई 2020 की बड़ी खबर आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्टूडेंट हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हर रोज़ आपके लिए शिक्षा और जो उससे संबंधित वीडियो आती रहती है, जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेस नोट, भिवानी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा मार्च 2020 के संदर्भ में विद्यालयों को जुर्माना राशि भरने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन आवश्यक सूचना देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह एवं बोर्ड सचिव श्री राजीव प्रसाद, संक्षिप्त रूप से बताया गया है कि मार्च 2019 में आयोजित की गई परीक्षा में ड्यूटी पर अनुपस्थित प्रवेशों के निरस्त निजी विद्यालयों के 5,000 रुपये जुर्माना राशि भरवाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिए गए थे। संबंधित विद्यालयों ने जुर्माना भरने हेतु पत्र डाले गए थे। कुछ विद्यालयों द्वारा यह जुर्माना राशि नहीं भरी गई थी, परंतु समय परीक्षार्थियों हित को दृष्टि उसके अनुक्रमांक जारी कर दी गई, यानी कि परीक्षार्थियों को हित को देखते हुए उनके अनुक्रमांक दे दिए गए थे। जिन विद्यालयों द्वारा 5,000 रुपये जुर्माना राशि नहीं भरी थी, उन्हें जुर्माना राशि भरने हेतु 20 मई से, ठीक है भाई, 20 मई से 25 मई तक जो समय दिया गया है, संबंधित विद्यालयों को इस बारे में SMS के माध्यम से भी सूचना दे दी गई है। विद्यालयों की सूची भी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन द्वारा यह भी बताया गया है कि सरकारी वह गैर सरकारी विद्यालय द्वारा आंतरिक व बाह्य प्रायोगिक परीक्षा ऑनलाइन निर्धारित समय तक नहीं भरे थे, ऐसे विद्यालयों से भी जुर्माना राशि ले ली जाएगी। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी दोनों परीक्षा हेतु जुर्माना अलग अलग लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन द्वारा बताए गए कि जुर्माना राशि भरने के लिए बोर्ड वेबसाइट पर दिए गए पोर्टल पर भरा जाएगा। जिन विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय दिनांक 20 से 25 तक जुर्माना नहीं भरा जाएगा, उसका परिणाम रोक लिया जाएगा। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपका परिणाम रोक लिया जाएगा 10वीं 12वीं का। अगर कोई आपका स्कूल जुर्माना राशि नहीं भरता है, ये प्रैक्टिकल बाह्य आंतरिक CCE के नंबर नहीं चढ़ाता है, तो आपके स्कूल का ही पूरे का रिजल्ट रोक लिया जाएगा। बड़ी खबर थे आप शिक्षा शेयर करेंगे, उम्मीद करूंगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।